कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान आया है, कानपुर दंगा पीएफआई ने कराया। ये कह रहे हैं सत्यदेव पचौरी सांसद हैं, पीएफआई के लोगों के पुलिस से भी संबंध है। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी, वो कह रहे हैं पीएफआई के लोगों के पुलिस से भी संबंध है। देखिए क्या कह रहे हैं सांसद। और इसके साथ साथ अब कानपुर पुलिस तमाम सारे आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर रही है और तमाम जगह चस्पा कर रही है। मतलब बातचीत में मौजूद है कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी जी। सर, पीएफआई का जिक्र आ रहा है, तमाम सारे लोगों के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे में जिनकी फोटो आ गई वो ले ली गई है। पहले से पुलिस ने हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, इसलिए कि आशंका हमेशा बनी रहती है। ये वो क्षेत्र है जहां मुसलमान कई बार दंगे करा चुके हैं। एक हमारे डिप्टी एडीएम लेवल के आदमी की गोली मार कर हत्या भी कर दी गई थी। तो इसीलिए पुलिस सतर्क रहती है और सारे लोगों की फोटो आ गई है, फोटो चस्पा कर दी गई है, गिरफ्तारी हो रही है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए करने लोगों ने रात में पुलिस पे फिर पत्थरबाजी की, हमला किया, पुलिस के लोग घायल। पीएफआई का भी जिक्र आ रहा है कि वहाँ पे जो तमाम सारी घटनाएं हुई उसमें पीएफआई भी कहीं ना कहीं शामिल है। पीएफआई तो पूरे देश में शामिल है। यहाँ सीए पे जो धरना हुआ था उसमें वो नहीं कहा था, पीएफआई कहा था। और ये इन लोगों के हौसले पीएफआई के कांग्रेस ने बढ़ाए हैं, बढ़े हुए हैं। और पीएसआई हमेशा लोगों को भड़काती रहती है, तिरंगा का अपमान करो, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे हम, कहीं हिजाब पे मामला आ जाता है, कहीं कोई चीज़, कोई ना कोई बहाना रूप लेके देश में अलगाववाद की प्रवृत्ति को जन्म देने का काम ये पीएफआई करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।